अमेजिंग चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जब हमारे 360 साल बीतते हैं तब जाके देवताओं का एक साल बीतता है। 17,28,000 वर्ष का था सतयुग, 12,96,000 सालों का होता है त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। जब इन चारों को टोटल कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 43,20,000 वर्ष और 43,20,000 वर्ष का होता है एक चतुर्युग और 43,20,000 वर्ष को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे होंगे और 2,000 से गुना करोगे तो ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन होगा यानी कि 24 घंटे और इन 24 घंटों में धरती पे 14 मनु बदल जाते हैं और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कहां है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और अब एक बहुत ही शॉकिंग पार्ट कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष समाप्त होते हैं तब जाके नारायण जी की सिर्फ पलक झपकती है। और ये जानकारी अगर आपको गलत लग रही है तो आप श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंध के 11 अध्याय को पढ़ सकते हैं। ऐसी और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए तो देखने के लिए सब्सक्राइब करो चर्चाग्राम चैनल को, जिसमें लंबे पॉडकास्ट बनाते हैं और इन चीजों के बारे में बात करते हैं तसल्ली से। तो जाओ सब्सक्राइब करो। जय सनातन धर्म।